गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है राहुल, आप देखना शुरू कर चुके हैं। हम देते हैं आपको साइकोलॉजी का प्रैक्टिस टेस्ट। आज क्वेश्चन की संख्या है 20। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब मज़ा आ जाएगा, इतना अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आप वीडियो शेयर कर देना, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारे बताऊँगा, बहुत कुछ याद करके जाओगे आज। मल्टी फैक्टर सिद्धांत किसने दिया? मल्टी फैक्टर को कहते हैं हिंदी में बहुत तत्व, मगर ये पेपर में ना सीधे मल्टी फैक्टर लिख के आया था, तो इसकी हिंदी में दे रखी थी, तो आपको कुछ चीज़ें इंग्लिश में आनी चाहिए। तो ये किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इसे याद रख लेंगे। अब आप लोगों का जो कमेंट बॉक्स में जवाब ये दोगे कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे। ठीक है, एक चीज़ बताऊँगा, गार्डनर ने सबसे पहले 1983 में दी थी सात प्रकार की बुद्धि, फिर 1998 और 2000 में फिर 8 और 9 प्रकार, अभी फिलहाल में लेटेस्ट 9 है, वैसे 7 है। और इन्होंने क्या दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रखना, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर का। ठीक है, और त्रितंत्र सिद्धांत किसका है? ये स्टर्नबर्ग का है, त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा प्रेरणा की विधि नहीं, कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं? रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, मगर जो व्यवहार में परिवर्तन है ना, ये अधिगम से होता है। किससे होता है? अधिगम से। ये रुचि से नहीं होता, ये प्रेरणा देने से व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो सकता। व्यवहार में परिवर्तन किससे होगा? अधिगम से। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? जी, याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? इतना तुरंत आपके नंबर काट ले, क्योंकि एक पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है, अगर ये मानव आवश्यकताओं का इतना हटा दूं, केवल लिख दूं पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर होगा बर्ट और बर्मन। अब इसमें टोटल लिख रहा है मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत, वो दिया है मैस्लो ने। किसने? मैस्लो ने। कितनी आवश्यकताएं बताइए इन्होंने? आवश्यकताएं बताइए 5। शरीर की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, और इसी तरीके से शरीर की याद रख लो, आखिरी में याद रख लो कि आत्मसिद्धि प्राप्त हो जाती है। शरीर की मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग और आत्मसिद्धि, इस तरीके से 5 होंगे। ठीक है, ब्रूनर ने 3 स्टेज बताई है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बोलिक। ठीक है, 3 स्टेज है ब्रूनर की, याद रखेंगे। स्किनर ने किसके प्रयोग किया था? स्किनर ने जो प्रयोग किए थे वो कबूतर और आपके चूहे पर किए। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। ठीक, और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी इन्होंने स्किनर ने। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, मैथ्स। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके चलाओ, जिससे कि आपको आसानी रहे पेपर के टाइम। एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की अनिवार्य विशेषता क्या है? एक सबसे अच्छी शिक्षण सामग्री वो होगी जो अधिकतम ज्ञानेंद्रियों को भागीदारी कराए। ठीक है, हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? आँख, कान, नाक, की त्वचा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ ना मैंने विद आंसर की, आंसर भी डाले इसमें, जो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए, आप आगे फ्यूचर में प्रैक्टिस करने के लिए वहां से सेव कर लेना अपने फोन में। इसमें से कौन सी बुद्धि? गार्डनर की बहुबुद्धि, मैंने बताया था ना, गार्डनर ने पहले 7 दी थी और अभी लेटेस्ट में 9 है। ठीक है, उसको प्रदर्शित नहीं करती, तो इसमें शारीरिक करती है, संगीताय करती है, भाषाई करती है, मगर सांस्कृतिक, ये सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये तो वाइगोत्स्की की है। किसकी? वाइगोत्स्की की। इसे आप याद रख लेंगे। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते था तो वो किसने दिया था? बंडू। वो किसने दिया? बंडूरा ने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? कभी राजमार्ग का क्वेश्चन आ जाए, राजमार्ग को तुरंत लगा देना स्किनर। आंसर क्या हो जाए? ए। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास में अध्यापक को एक के अतिरिक्त सभी कार्य करने चाहिए, मतलब अध्यापक को क्या करना है? संज्ञानात्मक विकास। किसका? बच्चे का। तो क्या नहीं करना चाहिए? शिशुओं को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कभी प्रोत्साहन की बात आई तुरंत सही कर आना, ये तो करना चाहिए। शिशुओं को सोचने, समझने और निष्कर्ष निकालने के लिए अवसर प्रदान करने की बात आ जाए ना, सही कर देना। कौशलों का विकास करने के लिए सही कर देना। शिशु के बोलते वक्त हस्तक्षेप करना, ये तो कोई नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे आप घर हों, चाहे
स्कूल हो, कुछ भी हो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब वो बोल रहे। ध्यान से उनकी बात सुनो, आखिरी में उन्हें फीडबैक दो, मगर जब वो बोल रहे हैं ना तब मत कुछ कहो। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। देखो ये निष्पादन प्रकार की बुद्धि परीक्षण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो शाब्दिक एक अशाब्दिक। अशाब्दिक दो प्रकार का होता है, एक निष्पादन और एक होता है पेपर पेंसिल टेस्ट। एक होता है निष्पादन, एक होता है पेपर पेंसिल। तो निष्पादन का कौन सा उदाहरण नहीं है? घन निर्माण करना निष्पादन है, ब्लॉक का फिट करना निष्पादन है, टुकड़ों को जोड़ना निष्पादन है। मगर जो सरल गणितीय समस्याओं को हल करना है इसे पेपर पेंसिल टेस्ट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। याद रखना, समझा दिया, शाब्दिक अशाब्दिक, और शाब्दिक के अंदर क्या आएगा? निष्पादन और पेपर पेंसिल। पेपर पेंसिल के अंदर आता है सरल गणितीय समस्याओं को हल करना। हिंदी की भी वीडियो देखा करो, सुबह आती है, ठीक है? और कल मैंने ना वीकली करंट अफेयर की वीडियो डाली, वो भी देख लेना। अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालक को निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? मतलब उसमें अधिगम की निर्योग्यता है तो उसमें कौन सी कमी पाई जाएगी? मतलब वो भाषाई निर्योग्यता हो सकती है, या उसमें ना दिशा वगैरह के ज्ञान में हो सकती है। तो क्या होगा? संख्या संबंधी सूचनाओं को याद रखने तथा समय एवं दिशा की कम समझ होती है इसमें, जो अधिगम नेटिव बाद मतलब बच्चे होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? याद रखना। नेक्स्ट। सामान्यतः गर्भावस्था में लगभग कितने किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है? मतलब जो फीमेल्स होती है तो गर्भावस्था कितने टाइम की होती है? 280 दिन की होती है। ठीक है, तो मतलब 9 × 27, 9 महीने, कुछ 10 दिन, इतने को मानते हैं गर्भावस्था। तो कितनी उनके वजन में वृद्धि हो जाती है? तो ये वृद्धि हो जाती है उनके 10 से 12 kg। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो देखो अतार्किक चिंतन ये किससे याद आना चाहिए? इससे याद आना चाहिए प्याजे, जो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, संज्ञानात्मक में बहुत काम किया इन्होंने, विकासात्मक में बहुत काम किया। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था है 2 से 7 वर्ष, और तार्किक कौन सी है? तार्किक कह दे तो वो है 7 से 12, और अमूर्त कह दे, अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है? तो वो है 12 से 15 या 11 से 15। ठीक है, इसको क्या कहा है प्याजे ने? पूर्व संक्रियात्मक, इसको मूर्त संक्रियात्मक, इसको अमूर्त संक्रियात्मक। और सबसे पहली कौन सी होती है? संवेदी पेशी। सबसे पहली कौन सी होती है? संवेदी पेशी, जो क्या होती है? 0 से 2 वर्ष। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, उसे ना मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने का। ठीक है, सही वाक्य का चयन करना है इसमें। देखो पूर्वी विद्यालय, पहले तो ये पता होना चाहिए पूर्वी विद्यालय क्या होता है। पूर्वी विद्यालय होता है विद्यालय स्टार्ट होने से पहले, विद्यालय 6 साल में स्टार्ट होता है बच्चे का। अब तो खैर जल्दी स्टार्ट हो जाता है, मगर हम जो स्टैंडर्ड लेते हैं 6 साल, तो 6 साल से पहले की बात कर रहा है। तो मतलब प्याजे वाली स्टेज आ गई 2 से 7 वर्ष वाली। ठीक है, उसे अनुमान लेके चलेंगे। पूर्व विद्यालयी बच्चे अपने विचार की प्रक्रिया को उल्टा नहीं सकते, ये बिल्कुल सही बात है। उल्टा सकते हैं गलत, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पूर्व विद्यालयी जो बच्चे होते हैं ना ऐसे है देखो कि अनुत्क्रमणता नहीं आती उनमें। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब उनके जो विचार होते हैं ना, विचार की प्रक्रिया, वो उल्टा नहीं कर सकते, इस चीज़ को याद रखेंगे। और ये किस स्टेज से रिलेटेड है? ये पूर्व संक्रियात्मक। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इन्होंने 4 क्रियाएं बताई हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। इंग्लिश में मुझे याद है, हिंदी में अवधान है, धारणा है, अनुभव नहीं है, प्रेरणा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। इसके बारे में इन्होंने बात नहीं किया, और इन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की? मॉडलिंग। बंडूरा ने प्रयोग किस पर किया है? बोबो डॉल का यूज किया था इन्होंने। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनका है। ठीक, वात्सल्य संवेग, मूल प्रवृत्ति। पहली बात तो मूल प्रवृत्ति की बात किसने की है? मैकडूगल। किसने की है? मैकडूगल। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई? 14। इनसे जुड़े हुए संवेग भी कितने हैं? 14। वात्सल्य किससे होता है? वात्सल्य समझते हैं, जब वो कान्हा जी भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो मैया जब उन्हें बुलाती है ना, उस प्रेम को कहते हैं वात्सल्य प्रेम। तो ये होता है पुत्र कामना। आंसर क्या हो जाएगा? सी।
ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट, हरकत विकलांगता का मतलब क्या होता है? हरकत विकलांगता का मतलब होता है हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की विकलांगता। आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देने हेतु मतलब क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देने हेतु कौन सा विकल्प सही है? तो देखो, अगर हम व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा दे रहे हैं ना, मतलब एक होशियार बच्चा है, एक कमजोर बच्चा है, सबको अलग अलग हिसाब, तो ये बुद्धि के स्तर पर उसके कक्षा का विभाजन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बाल केंद्रित सोच सकते हैं, मगर बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग ये यहाँ पर ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं कूद कर रहा है। अगर हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर किसी बच्चे को शिक्षा देनी है, तो जो होशियार बच्चे होंगे उन्हें एक साथ बिठा दो, कमजोर होंगे उनसे कम तो उन्हें एक साथ, और जो बिल्कुल ही कमजोर होंगे उन्हें अलग बिठाओ। जो सबसे कमजोर होते हैं ना, उनके लिए हमें बहुत ही अच्छा टीचर देना पड़ता है, जिससे कि उनका स्तर उठा सके, तो ये इसलिए फायदेमंद होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता तो बुद्धि के स्तर के आधार पर कक्षा का विभाजन करना चाहिए। आंसर हो जाएगा ए, याद रखना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हर समय आपको जवाब दिया जाएगा। हाइड्रोसिफेली नामक मानसिक दुर्घटना में कौन सा लक्षण पाया जाता है? हाइड्रोसिफेली देखो एक दुर्घटना है, मानसिक दुर्घटना। इसमें क्या सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है, बालक के सिर का आकार बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, इस चीज को सीधे याद रख लो, याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक उत्तरों की आवश्यकता क्या होती है? सृजनात्मक पता है समझ में क्या है? अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इसमें क्या है? इसमें होगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। किसकी आवश्यकता होगी? मुक्त उत्तर, जिसके बहुत सारे आप उत्तर दे सको, उसे कहेंगे सृजनात्मक उत्तर की आवश्यकता। बुद्धि का सर्वप्रथम पहले जो सफल मापन किया था वो किसने किया था? वो किया था विनेश साइमन, विनेश साइमन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? विनेश साइमन क्या हो जाएगा? कब किया था? 1905। और फिर मानसिक आयु दिया था, मानसिक आयु का समय किसने दिया था? दिया था बिने ने 1908। 1912 में क्या हुआ था? स्टर्न ने दे दिया था फॉर्मूला मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। और फिर टर्मन ने फाइनली 1916 में टर्मन ने पूरा सूत्र दिया था इनटू 100 करके, इसी को याद रखेंगे। थॉर्नडाइक ने क्या मुख्य नियम दिए? मुख्य नियम 3, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ठीक है। तो अभ्यास का क्या है? उपयोग अनुपयोग का नियम। तत्परता क्या है? रुचि का नियम। प्रभाव क्या है? सुख और दुख का नियम। ये सब पूछे जाते हैं बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बच्चों में नैतिकता निर्णय के विकास के लिए कम महत्वपूर्ण क्या है? कम महत्वपूर्ण अध्ययन, सॉरी, बच्चों में नैतिकता निर्णय के विकास का महत्वपूर्ण अध्ययन। नैतिकता की बात आए ना, तो आप दो लोगों को याद रखा करो, एक तो है कोहलबर्ग और एक है आपके प्याजे। आपको क्वेश्चन को फंसाना होगा ना, कोहलबर्ग नहीं डालेगा, प्याजे डाल देगा, क्योंकि ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना। और जो फ्रायड है ये तो मनोविश्लेषणवादी है, मनो विश्लेषणवादी, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये दिए थे इन्होंने, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं और ये रही इसकी आंसर की, 1 का ए और 2 का डी पूरी आंसर की, और इसका टेलीग्राम पे डाल दिए विद आंसर की, ठीक है। अब देखो, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है मैंने यार, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? इसको आप बताओगे, और प्लीज अच्छी लगे ना तो शेयर कर देना वीडियो, दिल से शेयर करना, यही आप लोगों से आग्रह है। और बताना आप लोग और किस तरीके से वीडियो चाहते हो, उस तरीके से बनाएंगे। बाकी सपोर्ट करो इसी तरीके से जिस तरीके से आप कर रहे हो। जय हिंद, जय भारत।